स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 5.5 क्वाड्रिलेटरल. ओके सो दिस प्रैक्टिस सेट इज बेस्ड ऑन दिस मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अच्छा सुनो, इस ट्राइंगल में व्हाट दे आर सेइंग, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड के मिड पॉइंट दिए हुए, जैसे साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है एंड ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, सो उसका मेन थीम क्या होता है, ये दैट ये जो सेगमेंट बनता है पी क्यू, दिस पी क्यू इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट मीन्स बी सी, एज वेल एज ये जो पी क्यू है वो हाफ होगा बी सी का. तो दिस टू पॉइंट, जब भी ट्राइंगल का मिड पॉइंट सुनो तो ये पॉइंट ये इज़ लाइक अ फॉर्मूला कि ये लाइन पैरेलल है बेस को एज वेल एज ये हाफ है बी सी का. ओके सो नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. ए बी दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 9 एंड दिस इज 11. फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड एक्जेड. सी इन शॉर्ट हम सबको हाफ हाफ करेंगे तो वी विल गेट द आंसर्स because they have given midpoint as well as measure. So in triangle ABC we will write x y z are the midpoints of side AB BC and AC respectively. ओके दिस इज गिवन टू अस. सो हम बारी बारी से एक एक साइड लेंगे, दैट एक्स सेट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स जेड बी सी के ऑपोजिट में, तो बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो देयरफॉर एक्स जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC is how much? 11. So that is 5.5 centimeter. Okay. Similarly, therefore XZ is equals to 5.5 centimeter. Now, similarly, we will say that अब XZ हो गया तो अभी XY लेते हैं. XY is equals to half of एक्स वाई ए सी के ऑपोजिट में, तो ए सी अगेन मिड पॉइंट थियरम. सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इज हाउ मच 9, सो 9 का हाफ 4.5. So therefore xy is equals to 4.5 centimeter. Then I'm last zy. So zy or yz is equals to half of zy ab ke opposite mein. So ab. So therefore half into ab is how much? 5. So half of 5 is 2.5. So therefore yz is equals to 2.5 centimeters. So 1, 2, 3, all three sides. Here we have to give reason midpoint theorem. Giving reason is important. Second question, in the figure PQRS and MNRL are rectangles. सो ऑलरेडी ये रेक्टेंगल है मेंशन किया गया. तो रेक्टेंगल मीन्स ऑल दी फोर कॉर्नर इज 90 डिग्री. इफ़ पॉइंट एम, ये वाला पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये जो डायगनल है इसका मिड पॉइंट है, देन प्रूव दैट. सो क्या प्रूव करना है, एस एल ये जो पार्ट है एस एल इज इक्वल टू एल आर. ओके मीन्स ये हाफ हाफ है, ये प्रूव करना है. और एल एन, एल एन
दैट मीन्स ये लाइन एल एन इज हाफ ऑफ एस क्यू, हाफ ऑफ एस क्यू मीन्स किसी भी तरह ये ट्राइंगल हमको प्रूफ करना रहेगा मिड पॉइंट थियरम से. सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गिवन टू अस दैट दिस टू आर रेक्टेंगल. सो पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटर एम एन आर एल आर रेक्टेंगल्स. ओके, दिस इज गिवन. सो देयरफॉर पी एस आर इज इक्वल टू एम एल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. सी दिस पी एस आर एंड एम एल आर, दिस ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये आर ये, बिकॉज वो दोनों रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ओके, यहाँ पे रीजन आएगा बाय एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. क्यों 90 डिग्री लिया, रीजन लिखना है तो एंगल ऑफ रेक्टेंगल. बट अगर ध्यान देंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है. सो बट दिस इज पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल एस आर. ये जो एस आर है वो ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन मीन्स, तो ये जो 90 डिग्री. सो देयरफॉर हम इसको बोलेंगे दैट दिस टू इज अ पैरेलल लाइन सेग एम एल इज पैरेलल टू सेग पी एस. ओके, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट. ओके, नाउ इन ट्राइंगल आर पी एस, आर पी एस, ओके ये आर पी एस, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेक पी आर एंड सेक पी आर, सॉरी पी एस इज पैरेलल टू सेक एम एल. ओके, सो दिस इज गिवन एंड फ्रॉम वन. देखो एम मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है. ओके, और ये जो है पी एस पैरेलल टू एम एल ये हमने अभी प्रूफ किया. तो गिवन और प्रूफ से, सो ये वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट मिला, ठीक है, और ये दो पैरेलल मिला. सो देयरफॉर इससे क्या प्रूफ हुआ, ये जो एल है ना, ये एम यहाँ से पास होगा ना, ये मिड पॉइंट से लाइन जा रहा है, तो एल क्या प्रूफ हुआ, एस आर का मिड पॉइंट. ये ट्राइंगल के ये मिड पॉइंट से जब लाइन पास हो रहा है और पैरेलल है ये दोनों, तो ये दूसरे साइड भी, ट्राइंगल के दूसरे साइड भी मिड पॉइंट से पास होगा. ओके, यहाँ मिड पॉइंट से पास होगा, ये दिस मच इज ट्राइंगल, हमने ये और ये पैरेलल प्रूफ किया और ये मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट से जब एक पैरेलल लाइन ट्राइंगल में पास होता है तो दूसरे साइड में भी मिड पॉइंट में जाता है. तो देयरफॉर क्या प्रूफ हुआ, दैट L is midpoint of sec RS. This is true. और इसका रीजन देंगे कन्वर्स ऑफ midpoint theorem. ओके, सो therefore SL इज इक्वल्स टू एल आर. हाँ, मिड पॉइंट प्रूफ हो गया तो दोनों इक्वल हो गए.
एंड नाउ फर्स्ट वाला सेक्शन प्रूफ हो गया. नाउ सेकंड. सो अगेन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एम एन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री रीजन एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. ओके पी क्यू आर एंड एम एन आर ये वाला और ये वाला 90 डिग्री. सो बट दिस इज पैर ऑफ करेस्पोंडिंग एंगल्स डॉट थ्री. ओके ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर. ओके ये हो गया करेस्पोंडिंग एंगल और ट्रांसवर्सल क्यू आर. सो देयरफॉर सेक एम एन इज पैरेलल टू सेक पी क्यू. ओके पी क्यू और एम एन ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए. रीजन करेस्पोंडिंग जो यहाँ पे दिए थे ना करेस्पोंडिंग एंगल टेस्ट. ओके सो इन ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलरली जाएंगे. हाँ इन ट्राइंगल आर पी क्यू पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेक आर पी एंड सेक एम एन पैरेलल टू सेक पी क्यू. अगेन दिस टू इज गिवन एंड फ्रॉम थ्री ये जो अभी अभी यहाँ पे प्रूफ किए थे. ओके सो देयरफॉर पॉइंट एन इज मिड पॉइंट ऑफ सेक क्यू आर. दिस इज फोर्थ रीजन कन्वर्स of midpoints theorem. So therefore in triangle QRS L and N are midpoint of side SR and QR respectively from second and fourth. So therefore देखो L and N ये L and N को midpoint proof किया हम लोगों ने. ओके सो therefore ये L and N क्या हो गया SQ का half हो गया. तो L and N is equals to half of SQ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके हैंस प्रूव्ड. थर्ड क्वेश्चन इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ए बी बी सी और ए सी इक्वल होगा. तो पॉइंट एफ डी ई आर द मिड पॉइंट. ए बी मिड पॉइंट दे दिए ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी. सो शो दैट एफ ई डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो बहुत ईजिली हो जाएगा सारे पहले हाफ हो जाएंगे एंड देन वी कैन शो दैम. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस लाइन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एफ ई डी एफ ई डी आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा सब एक दूसरे ये वाला हाफ हो जाएंगे ना.
So we will write FE is equals to half of BC. Then FD is equals to half of AC. And then DE is equals to half of AB. DEAB ka half hai. So this is 1, this is 2, and this is 3. Reason kya hua? Midpoint theorem. Okay? So therefore, but triangle ABC is equilateral. So therefore, AB equals to BC equals to AC. Why they are equal? Because sides of equilateral triangle. So जब AB means देखो AB BC और AC equal हो गए तो उनका जो half है वो भी equal हो जाएंगे, ये भी equal हो जाएंगे. तो therefore FE equals to FD equals to DE. Reason from 1, 2, 1, 2, 3 and 4. Okay, so therefore जब तीनों साइड इक्वल हो गए तो देयर फॉर ट्राइंगल एफ ई डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके डन. ओके इन द फिगर सेक पी डी इज अ मीडियन. मीडियन हुआ तो डी इसका मिड पॉइंट हुआ. ट्राइंगल पी क्यू आर. सो पॉइंट टी, दिस पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक पी डी. पी डी का मिड पॉइंट तो दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू टी डी. सो प्रोड्यूस क्यू टी इंटरसेक्स पी आर एंड एट एम. शो दैट पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3 पार्ट. ओके सो ये प्रोड्यूस करने वाला, ड्रॉ करने वाला. सो यहाँ पे क्या प्रूफ करने बोला है कि ये जो इतना सा पार्ट है ना वो इसका 3 हिस्सा है. ओके सो देख के तो पता लग रहा है बट हाउ वी विल डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, ये जो डॉटेड लाइन है दैट वी हैव टू प्रूफ. सो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट डी पैरेलल टू सेक क्यू एम सच दैट एम एन एन इज बिटवीन पी एंड आर. ओके ये ऐसे लाइन में पी एम एन आर. ओके नाउ प्रूफ, व्हाट वी हैव टू प्रूफ. So in triangle PDN, PDN, okay, this much part PDN. Point T is midpoint of sec PD. This is given to us. So therefore sec TM is parallel to side DN. ये TM और DN parallel है. क्यों? क्योंकि point T जो है mid point है. तो एक triangle में ये PD का ये mid point है तो यहाँ से pass होने वाली line यहाँ पे भी mid point में जाएगी. So TM और DN parallel proof हुए. Okay? Reason आएगा construction. T is between Q and M. So therefore point M is midpoint
ऑफ सेट PN. पॉइंट M क्या हो गया, मिड पॉइंट हुआ PN का, इतने से पार्ट का. ओके इसका डॉट वन रीजन हुआ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो नाउ देयरफॉर इन ट्रायंगल एम क्यू आर पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ सेग क्यू आर. सो सिंस पी डी इज मीडियन, ये जो डी है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है क्योंकि पी डी मीडियन है. ओके सो देन सेग डी एन इज पैरेलल टू साइड क्यू एन, डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम. ओके बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसको. सो देयरफॉर पॉइंट एन इज मिड पॉइंट ऑफ सेग एम आर. ओके एन इज मिड पॉइंट ऑफ सेग एम आर. देखो इतने से पार्ट का मिड पॉइंट हुआ ये वाले ट्राइंगल में. सो देयरफॉर पी एम इज इक्वल्स टू एम एन, पी एम इज इक्वल्स टू एम एन फ्रॉम वन. यहाँ पे प्रूफ किया था हम लोग ने, देखो मिड पॉइंट है एम पी एन का तो ये लोग दोनों इक्वल हो गए. और अभी एम एन इज इक्वल्स टू एन आर फ्रॉम टू. ये अभी अभी प्रूव किया कि एन जो है एन एम आर का है तो यही एम एन इसको. अभी देखो यही एम एन दोनों को प्रूफ हो गए तो देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू एन आर. ओके दिस इज द थर्ड फ्रॉम वन टू एंड थ्री. सॉरी सो देयरफॉर पी आर, ये जो पी आर है ये पी आर है वो कैसा हो गया पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर. ओके सो देयरफॉर अभी क्योंकि ये तीनों इक्वल है एंड वी हैव टू प्रूव दैट पी एम जो है वो वन पार्ट है पी आर का. सो व्हाट वी विल डू पी आर इक्वल्स टू पी एम को थ्री टाइम बताएंगे. वाई थ्री टाइम, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल तो एक ही नाम से तीनों को. पी एम एम एन को इक्वल है तो मैं पी एम बोल सकती हूँ, एन आर एम एन को इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ, एक ही नाम लेंगे तो थ्री पी एम. वन प्लस वन प्लस वन तो थ्री हो गया, थ्री पी एम फ्रॉम थ्री. यहाँ पर रीजन देंगे सब एक दूसरे का मिड पॉइंट है. सो देयरफॉर ये थ्री नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है. सो नाउ सी ये जो थ्री है नीचे आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन, और ये पी एम ये जो है ये यहाँ पे आ गया. तो यही प्रूफ करना था क्वेश्चन के हिसाब से. तो देयरफॉर दैट इज पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू वन थर्ड, हेंस प्रूफ्ड. Okay.